रोल है मैम, वोट डाल करके आई है आप, कैसा कैसा लग रहा है? पहली बात तो ये है कि जो अनुभूति पूरे देश के अंदर हो रही है, 2014 का चुनाव देश की व्यवस्था परिवर्तन का चुनाव था, 2019 का चुनाव मोदी सरकार की उपलब्धियों को आगे बढ़ाने का चुनाव है, देश मन बना चुका था चुनाव से पहले ही, तो पूरे भरोसे के साथ पहली बार स्वतंत्रता के बाद देश पूरे विश्वास के साथ लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी सहभागिता कर रहा है। बस इतना निवेदन आपके चैनल के माध्यम से करना चाहती हूँ कि मतदान का प्रतिशत लोकतंत्र के आधार को और मजबूत करेगा, इसलिए घर से निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करने का प्रयास करें। मैडम, कई मतदान केंद्रों पर ईवीएम खराब होने की शिकायतें आ रही हैं। उनको कुछ जगहों से शिकायतें आई थी, उन्हें मैक्सिमम घंटे डेढ़ घंटे के अंदर उसको ठीक करके और वो सब काम शुरू हो गया। 2000 इसी मतदान केंद्र पर बुजुर्गों की शिकायत है कि उनके लिए कोई व्यापक व्यवस्था नहीं करी गई। कुर्सियां हैं, थोड़ी उसमें प्रयास प्रशासन का रहा है, और आप ये बात कर रहे हैं तो मैं ये बात जोड़ूंगी और प्रशासन की सराहना करना चाहती हूँ। बहुत प्रयासपूर्वक जैसा एफर्ट इस बार प्रशासन का दिख रहा है मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए, तो हर पोलिंग बूथ पर हो, चाहे शहर के अंदर वातावरण करने की बात हो, लोकतंत्र का ये उत्सव लोकशाही के अंदर ज़्यादा उत्साह के साथ लोग मना सकें और इसमें सहभागिता सुनिश्चित कर सकें, प्रशासन तत्परता से लगा हुआ है। मैं बहुत बहुत साधुवाद प्रशासन को यहाँ के देना चाहती हूँ। एक आखिरी सवाल मैम, 2014 में 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई थी, क्या उम्मीद है इस बार कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लाएगी? मैंने पहले कहा कि 2014 का चुनाव व्यवस्था परिवर्तन का चुनाव था, लोग व्यवस्था परिवर्तित करना चाहते थे और संभावना टटोल रहे थे। 2019 का चुनाव पूर्ण विश्वास का चुनाव है, उपलब्धियों को आगे बढ़ाने का चुनाव है, और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं पुनः कहना चाहती हूँ कि ये लोकतंत्र का आधार और इसका मजबूत आधार केवल और केवल मतदान से ही संभव है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग घरों से निकलें और वोटिंग करने का काम करें। कई जगह लोगों ने विकास न होने पर चुनाव बहिष्कार किया है, करने की घोषणा करी है, इसमें क्या? निश्चित रूप से वो संज्ञान में विषय उन्होंने स्थानों पर जिम्मेवार लोगों ने लिया है, आगे इस प्रकार की परिस्थिति नहीं बनेगी ये सुनिश्चित किया जाएगा।